शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैथोड रे ट्यूब के बारे में। कैथोड रे ट्यूब जो है एक ऑपरेटस है। कैथोड रे ट्यूब इज अ ऑपरेटस, और इस ऑपरेटस को किसने डिस्कवर की थी? विलियम क्रॉक ने इसको इन्वेंट किया था। विलियम क्रॉक नामी एक साइंटिस्ट ने जो है इस ऑपरेटस को इन्वेंट किया था। और ये जो ऑपरेटस है इसको हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए, प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए, उसी तरह न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना है कि कैथोड रे ट्यूब इज़ ऑपरेटस दैट वाज इन्वेंटेड बाय विलियम क्रॉक, और इस ऑपरेटस को मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया ताकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्कवर कर सके। इसी तरह अगर हम देखें कैथोड रे ट्यूब की जो दूसरी नाम है वो क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। इसका दूसरा नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अब हम क्या देखते हैं? कंपोजिशन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन इसका देखते हैं। अगर हम देखें कैथोड रे ट्यूब जो है एक ग्लास ट्यूब से मिलकर बना है। ठीक है, ग्लास ट्यूब हम किसे कहते हैं? एक ऐसा ट्यूब जो शीशे से मिलकर बना हो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लास ट्यूब कहते हैं। सो कैथोड रे ट्यूब इज मेड अप ऑफ अ ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब के एक एंड के साथ वैक्यूम पंप अटैच है। क्या अटैच है? वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप इसलिए अटैच है ताकि ये इस ट्यूब में से हवा को बाहर निकाले। ठीक है, इट इज यूज टू रिमूव एयर और गैस फ्रॉम द ट्यूब। इस ट्यूब के एक एंड में जो है क्या अटैच है? इस ट्यूब के एक एंड में मौजूद है कैथोड। कैथोड क्या है? कैथोड इज अ पीस ऑफ मेटल। ये एक पीस ऑफ मेटल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। इसी तरह इसी कैथोड रे ट्यूब के दूसरी साइड पर अटैच है एनोड। एनोड क्या है? एनोड इज अ पीस ऑफ मेटल जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। फिर इसी कैथोड और एनोड को हमने अटैच किया हुआ है किसके साथ? बैटरी के साथ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? बैटरी। और इस ट्यूब के अंदर क्या मौजूद है? गैस मौजूद है। तो आपने ज़हन में रखना है कि कैथोड रे ट्यूब जो है एक ग्लास ट्यूब से मिलकर बना है। इस ग्लास ट्यूब के एक एंड में वैक्यूम पंप मौजूद है जो हवा निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। इस ट्यूब के एक साइड में कैथोड पाया जाता है। कैथोड इज अ पीस ऑफ मेटल दैट कंटेन नेगेटिव चार्ज। इसी तरह इसके दूसरे एंड में एनोड मौजूद है। एनोड भी एज अ पीस ऑफ मेटल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फिर कैथोड और एनोड को उन्होंने अटैच किया हुआ था किसके साथ? एक्सटर्नल बैटरी के साथ। और इस ट्यूब के अंदर क्या मौजूद है? गैस मौजूद है। ठीक है, तो ये पूरा आपके लिए रिवाइज करता हूं दोबारा। कैथोड रे ट्यूब एक ऑपरेटस है। इस ऑपरेटस को विलियम क्रॉक नामी साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। और ये कैथोड रे ट्यूब इसको मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने इस्तेमाल किया था कि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्कवर कर सके। इसी तरह कैथोड रे ट्यूब का जो दूसरा नाम है वो क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब है। कैथोड रे ट्यूब जो है एक ग्लास ट्यूब से मिलकर बना है। इसके एक साइड में वैक्यूम पंप है। इसके एक साइड में जो है कैथोड अटैच है, दूसरी साइड में एनोड अटैच है। कैथोड एनोड जो है कनेक्टेड है किसके साथ? बैटरी के साथ। और इस ट्यूब के अंदर क्या पाया जाता है? गैस पाया जाता है। तो ये आज की टॉपिक होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं।